नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे निश के बारे में जिनके जरिए आपको कंटेंट की भी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि कंटेंट आपको रेडीमेड मिलने वाला है और वो किस तरह से मिलेगा मैं पूरा बताऊंगा आपको। और इनके ऊपर अगर आप काम करते तो आपको एसईओ के ऊपर भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आपके पास ट्रैफिक की बात करें तो आपको भर भर के ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा। और अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट्स वगैरह हैं तो आप उनको इसके साथ इंटीग्रेट करके, अपने ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट करके आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। तो ये कौन सी 10 निश है तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे जो है मैं आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जो है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहता हूं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे जाके जल्दी से जो है आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो निश है वो है जॉब से रिलेटेड। यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब्स में भी जाते हैं तो आपको लाखों का ट्रैफिक जो है ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्शन में भी जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी जॉब पब्लिश होते हैं, आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अवेलेबल हैं, तो उनको आपको देखना है, वहां से कंटेंट जो लिखा है बस उस कंटेंट को आपको कॉपी करना है, उसमें कुछ थोड़ा सा अल्टरेशन करना है ताकि वो यूनिकनेस जो है उसकी बनी रहे, और अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना है। बस इतना करने के साथ में जैसे जैसे आप आकर काम करते जाएंगे, लाखों में नहीं मिलियंस में जो है आपको ट्रैफिक मिलेगा। और हर महीने जब आपका जो है 10-12 मिलियंस, 30 मिलियन तक आपका पहुंच जाएगा, तो ऐसे में जो है आपको लाखों रुपए जो है हर महीने के जनरेट कर पाएंगे आप एक जॉब, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट बनाकर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया निश है जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे पीएनआर स्टेटस। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर की अगर बात करें तो करोड़ों लोग जो है डेली ट्रेवल करते हैं इंडियन रेल के जरिए। वहीं पे बहुत लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट जो है करंट स्टेटस उसका जो कंफर्म नहीं होता है, वेट लिस्टिंग होता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपनी टिकट का स्टेटस जो है वो जानना चाहते हैं कि उनका टिकट का करंट स्टेटस क्या है। तो ऐसे में वो करंट स्टेटस जानने के लिए उनको चाहिए है पीएनआर नंबर स्टेटस का, तो वो पीएनआर नंबर से जो है स्टेटस अपनी टिकट का चेक करते हैं। वैसे तो इंडियन रेलवे ने भी खुद की एक वेबसाइट बना के दे रखी है जहां पे वो पीएनआर स्टेटस जो है चेक किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हजारों ऐसी वेबसाइट्स बन रही हैं जो पीएनआर स्टेटस को एपीआई जो है वो अपनी वेबसाइट के इंटीग्रेट करती हैं, और लाखों का जो ट्रैफिक है वो अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहे हैं। और उसमें आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ जो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज है, अपडेट है, रेगुलर आपको अपडेट करते रहना है। और बस इतना सा करने में भी आपको जो है आपकी वेबसाइट पे लाखों का ट्रैफिक आएगा और आप जो है यहाँ पे काफी अच्छा जो है इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो तीसरे की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है लिरिक्स। तो लिरिक्स में जो है अब बहुत सारे लोग जो है गाना सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके लिरिक्स की तो वहां पर बहुत ही कम वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनके ऊपर लिरिक्स के साथ में वो गाने अवेलेबल है। तो आपको करना क्या, आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पे आपको गाने पोस्ट करनी है लेकिन उसके साथ साथ में उनके लिरिक्स, चाहे वो आप एक लैंग्वेज में करें चाहे आप मल्टी लैंग्वेज में करें, जितनी ज्यादा लैंग्वेज को आप कवर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको एसईओ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर लाखों के जो है मिलियंस में आपका ट्रैफिक आएगा और लाखों में आप इससे भी कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी निश है जिसके ऊपर आपको एसईओ के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगले चौथे की बात करें दोस्तों, यहां पे आ रहा है कोर्स या फिर बायोग्राफी। आज की डेट में बहुत सारे जितनी भी यंग जनरेशन है या कुछ लोग और भी एक्सपीरियंस हैं तो यहाँ पे जॉब से या फिर अपनी लाइफ से कई बार बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे जो वक्त में वो ज्यादातर ऐसे कोर्स को फाइंड आउट करते हैं या ऐसी बायोग्राफी देखना पसंद करते हैं
कि खुद को वो इंस्पायर कर सके, वापस से अपनी लाइफ को किस तरह से रीस्टार्ट करना है इसके ऊपर वो लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं। और ऐसे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि जिन्होंने वाकई जो रियल हीरोज बने हैं अपनी लाइफ के, उनकी बायोग्राफी को जो है वो वहां पे पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे चैनल यूट्यूब के ऊपर काफी फेमस होते जा रहे हैं। अगर आप ऐसी वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स के ऊपर में भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके लोगों को बायोग्राफी के बारे में जो है अपडेट करती है, कुछ ऐसे पॉजिटिव मोटिवेटेड कोट्स के जरिए भरी पड़ी हैं जिनके जरिए जो है लोग उनको देखते हैं, रीड करते हैं और अपने आप को इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर आप इसमें भी बनाते हो वेबसाइट, इसमें भी अपना ब्लॉग जो है पब्लिश करते हो, तो यहाँ पे भी आपको SEO पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसमें भी आपको लाखों का मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा और आपको लाखों में इनकम आप इस निश से भी जनरेट कर सकते हैं। अगले की निश की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है बैंकिंग कोड्स। बैंकिंग कोड्स की जहां पे मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत, आज हम सभी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल होते जा रहा है, और ऐसे में अगर एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफर वगैरह करनी पड़ती है तो वहां पे IFC कोड वगैरह, स्विफ्ट कोड वगैरह या ब्रांच कोड्स वगैरह, जो ऐसे बहुत सारे कोड जो है बैंकिंग सेक्टर के वो लोगों को चाहिए होते हैं। और आज की डेट में बैंक में जाकर जो है पता करना वो लोग प्रेफर नहीं करते, हर चीज ऑनलाइन चाहते हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस पर्टिकुलर निश के अंदर भी टारगेट करके बैठी हैं, जिन्होंने जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, उनको जो है उनके IFC कोड्स वगैरह क्या हैं, उनके ब्रांच कोड्स वगैरह क्या हैं, उनके स्विफ्ट कोड वगैरह क्या हैं, तो उनकी पूरी जानकारी अपने वेब पोर्टल के, अपने ब्लॉग के ऊपर लिस्ट करते हैं। और ऐसे में जो है बहुत लोग इस चीज को सर्च करते हैं क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों के अंदर जो है बिलियंस के अंदर डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इस काम के लिए जो है मिनिमम यू मान के चलो तो लाखों लोग जो है हर रोज इसके ऊपर जो है सर्च करते हैं कि कौन सी बैंक का क्या IFC कोड है, क्या उसका जो है ब्रांच कोड है, या फिर उसका क्या स्विफ्ट कोड वगैरह वगैरह जो है उनको चाहिए हुए। तो ऐसे में जो है लाखों के अंदर नहीं, मिलियंस में ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा अगर आप इस निश में काम करते हैं। तो उसके बाद भी अगर आप एडसेंस लगाते हैं उसके साथ में, तो लाखों के अंदर जो है आप मंथली इनकम इससे भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली निश की अगर बात करें दोस्तों, यहां पे आ रहा है MP3 या मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स या फिर ब्लॉग्स। तो दोस्तों यहां पे जो है डायरेक्टली अगर आप कहीं से भी उठा के सॉन्ग्स वगैरह या फिर जो है मूवी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके डाउनलोड करवा देंगे तो वो एक पायरेसी कहलाती है। लेकिन ऐसे लीगल सोर्स भी अवेलेबल हैं जहां जिसके जरिए जो है मूवीज या फिर गाने जो हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो आपको लीगल वे से जो है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है, या फिर आप अपने ऐसा ब्लॉग बनाएं कि ब्लॉग में जो है आप कहां से वो कौन से गाने हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए जो है आप मूवीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और वो एक लीगल सोर्स होना चाहिए। और ऐसे में जो है अगर आप उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे में बहुत लोग जो है डेली गाना डाउनलोड करने के लिए या फिर लेटेस्ट मूवीज डाउनलोड करने के लिए सर्च करते रहते हैं, और ऐसे में बिलियंस के अंदर ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और आप यहां पे लाखों में कमा सकते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ये समस्या है कि आपको गूगल एडसेंस जो है वो आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आपको कोई अल्टरनेट सोर्स जो है वो देखना पड़ेगा, जैसे कि एफिलेट वगैरह जो है या फिर कोई और ऐसा एडवर्टाइज नेटवर्क है जो आपको जो है काफी अच्छा जो है यहाँ पे एडवर्टाइज आपकी वेबसाइट के ऊपर करवा पाए, तो ऐसे नेटवर्क को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगली जो निशा दोस्तों यहाँ पे है विशिंग या फिर ग्रीटिंग्स। तो हर रोज हम सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के बर्थडे आते हैं, एनिवर्सरी आती है, कुछ स्पेशल मोमेंट्स आती हैं, और ऐसे में जब उनके फ्रेंड्स रिलेटिव उनको विश करना चाहते हैं तो उनको खुद क्या मैसेज भेजना चाहिए ये नहीं जानते। तो ऐसे में जो है वो सर्च करते हैं, हेल्प लेते हैं ऑनलाइन मीडिया की। तो ऐसे में अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स या फिर विशिंग्स जो है आप लिख सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास बिलियंस के अंदर ट्रैफिक आता है और आप लाखों के अंदर जो है इससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपको मैं एक और तरीका बताऊं, आप विशिंग के जो कोड्स वगैरह हैं आप उनको बनाएं, ग्रीटिंग कोड्स वगैरह बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ही
अगर आप विशिंग स्क्रिप्ट के साथ में जो है वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पे आपके पास और ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो वहां पे आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आप यहां पे कोई भी जो भी उनको वहां पे कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी ग्रीटिंग अवेलेबल है, अगर वो उसको कॉपी पेस्ट करके उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है अपने लव्ड वन को अगर विश कर सके डिजिटली, तो क्योंकि वर्ल्ड जो है वो डिजिटल होते जा रहा है और इसमें जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। और ऐसे में जो है आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है, डायरेक्टली स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं मिलेगा लेकिन बाकी जो आपकी वेबसाइट है जहां पे आपने कंटेंट पोस्ट करके रखा है वहां पे आप एड लगा के यहां पर भी लाखों से जो है इनकम कर सकते हैं। अगला जो निशा है दोस्तों यहां पे वो है ट्रेडिंग कंटेंट। ट्रेडिंग कंटेंट कहने का मतलब है यहां पे कि बहुत लोग जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आज गोल्ड का प्राइस क्या है, आज कौन सी कंपनी का क्या प्राइस है, कौन सा अप जाने वाला है, कौन सा डाउन जाने वाला है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कंटेंट अपलोड करते हो अपनी वेब पोर्टल के ऊपर या अपने जो भी ब्लॉग्स के ऊपर, तो बहुत लोग जो या फिर आप अगर रियल टाइम उसको नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितनी भी ट्रेडिंग कुछ ऐसे शेयर्स को ले लो उनकी अगर आप हिस्ट्री जो है आपको गूगल से अवेलेबल हो जाएगी, उसकी हिस्ट्री किस तरह से उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है पर्टिकुलर शेयर का, तो वो चीजें आपको अपनी वेब पोर्टल के ऊपर अपने ब्लॉग के ऊपर पूरा शो कर सकते हो, जिससे कि जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना अभी सीख रहे हैं उनको एक आइडिया लगेगा किस पे क्या क्या चीजें करनी होती हैं, कहां पर किस पे लगाना होता है, कहां पे किसको सेल करना होता है, कहां पे किसको खरीदना होता है। इसके ऊपर भी आपको जो है मिलियंस के अंदर ट्रैफिक मिलता है और आप लाखों जो है इससे भी कमा सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही अच्छा जो ट्रैफिक जो है आपको मिलता है। अगली जो निश्चय दोस्तों वो है कूपन्स या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। तो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या फिर अदर वेबसाइट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे अपने ऑफर जो है वो रिलीज करते हैं, लेकिन जब भी जितने भी डिजिटल बायर्स हैं वो ये चीज को हमेशा सर्च करते रहते हैं कि कोई ऐसा कोड मिल जाए, कोई ऐसा कूपन मिल जाए जिसकी हेल्प से जो ऑनलाइन बाय कर रहे हैं वहां पे उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो ऐसा अगर आप अपनी वेबसाइट या एक ब्लॉग बनाते हैं जहां पे आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने कंटेंट को, जो भी लेटेस्ट कूपन कोड्स हैं या डिस्काउंट कूपन कोड्स हैं वो आप अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर पूरा फ्लैश करवा सकते हैं, अगर आप वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऐसे में जो है आपके पास लाखों नहीं मिलियंस के अंदर ट्रैफिक आएगा और आप लाखों रुपए इससे भी जो है अर्निंग महीने की कर सकते हैं। अगली जो निशा दोस्तों वो है न्यूज। अब न्यूज आप सभी जानते हैं कि यहां पे हर दिन ऐसी बहुत सारी न्यूज आती हैं जो कि काफी ट्रेंडिंग भी रहती हैं। आपको काम क्या करना है, आपको बस ऐसे डेली बेसिस पे ऐसे टॉपिक को ऐसी न्यूज को जो है टारगेट करना है जो ट्रेंडिंग में आती जा रही है, तो उन ट्रेंडिंग को आपको उठा के अपने ब्लॉग के ऊपर करना है। सारी न्यूज उठा उठा के अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के ऊपर नहीं पब्लिश करनी है, सिर्फ आपको ट्रेंडिंग जो ट्रेंडिंग में चल रही है वही डेली की दो या तीन न्यूज होंगी वो आपको अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करनी है, और ऐसे में आपको जो है लाखों नहीं मिलियंस के अंदर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। और जैसे जैसे आप इसकी जो क्वांटिटी जो है आप बढ़ाते चले जाएंगे न्यूज की, वैसे वैसे आपके पास ट्रैफिक भी और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, और जब ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी जो है वो लाखों से करोड़ों की तरफ में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी 10 निश ऐसी जिनके ऊपर जो है आप अगर काम करते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेंट को सर्च नहीं करना पड़ेगा, कंटेंट रेडीमेड आपको मिल जाएगा, बस उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन करना है और अल्टरेशन करके जो है आप अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर दीजिए और आप मिलियंस के अंदर ट्रैफिक जो है आपको मिलने लग जाएगा, और जब ट्रैफिक मिलियंस में आएगा तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे लाखों के अंदर इनकम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी निश जो है मैं आपको बताऊं जिनके ऊपर कम मेहनत हो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो सारी निश बताई हैं इनमें से बहुत सारी ऐसी निश हैं जिनके ऊपर जो है मेरी खुद की वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं और मैं भी उन वेबसाइट से जो है यहाँ पे काफी अच्छी इनकम जो है जनरेट कर रहा हूं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इन निश के ऊपर में अगर आप एक महीना काम करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें रेगुलर काम करना पड़ेगा। मिनिमम 6 से 8 महीने के अंदर जो है अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, आपकी इनकम जो है यहाँ पे हजारों से स्टार्ट होकर लाखों की तरफ बढ़ने लग जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।